हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सबको मेरे नमस्ते। ये देखो दोस्तों, अभी हम जो है यहाँ पे जो है ये एक लड़का है, अपने घर से लेके आया हुआ खीर। इसने मुझे भी दे दी, कह रहा खाओ, इतना बढ़िया हम ये खाना खा रहे हैं। घर का है, किसी के घर का है। अबे घर का खाना आया कैसे हमारे पास? ये कोई हम तो अपने आप लाए नहीं, बच्चा है यहाँ पे से रह के गया हुआ अपने। आज ठीक चल रहा है बेचारा, अपने इसका चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा, छोटा बच्चा है। तो वैसे इससे बात कराता हूँ। देखो हम लोगों को भाई किसी से शिकायत नहीं, हम तो अपनी जिंदगी में जो है अधिकारियों का और हर एक चीज का बहुत आदर करने वाले लोग हैं। और बस हमारे को इस बात से बड़ा दुख होता है कि हमारे खिलाफ जब कोई हम जैसे लोगों, मतलब हम तो अपने आप को किसी गिनती में समझते नहीं है, और उसके बावजूद हमारे खिलाफ कोई आदमी जो है षड्यंत्र कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, और बड़े अधिकारी जो है इस तरीके के लोगों की बातों में आके हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो यार तब बड़ा हर्ट होता है इंसान को। बाकी अगर हम गलत करेंगे तो हम कोई वो नहीं है यहाँ पे, जो कोई भी बड़े अधिकारी हमें बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो इट, कोई उसमें वो नहीं है, वी मस्ट फॉलो। तो अरे भाई तुम कहाँ के रहने वाले भैया? ऋषिकेश। कैसे हो आप? बढ़िया। कितने टाइम रहे थे यहाँ पे? 4 मंथ्स। जोर से बोलना थोड़ा प्लीज। 4 मंथ्स। 4 मंथ्स रहे थे। तो आज आप अपनी मर्जी से वापस आए हो यहाँ पे? जी। या कोई प्रेशर में आए हो वापस? अपनी मर्जी से आया वापस। अपनी मर्जी से वापस आए। वापस आने का क्या कारण लगता है आपको कि क्यों आए आप वापस? वापस आने से मेरे ना, मतलब जो मैं यहाँ प्रोग्राम स्टडी कर रहा था वो कंटिन्यू हो जाएगा थोड़ा, और बाकी वैसे सही चलने लगेंगे नशे से दूर रह के। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं यार हमारे पास जो अपनी मर्जी से वापस आते हैं। 85% रिजल्ट है हमारा। तो मेरी अपील है सभी से कि भाई देखो, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको कि जो है किसी की भलाई में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए इंसान को। जहां पे कहीं पे किसी की भलाई हो रही हो तो वहां पे इंसान को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उसके साथ फिर बहुत भयंकर वाला बुरा होता है और पूरी जिंदगी बुरा ही होता है। अब ये एक लड़का है, ये बेचारा, इसका भी मैं अभी फेस नहीं दिखाऊंगा जानबूझ के। ये भी रह रहा है भाई। कहाँ के रहने वाले भैया? मुरादाबाद का। जोर से बोलो भैया। मुरादाबाद का। कहाँ? मुरादाबाद के। कितने पढ़े लिखे हो भाई? इंटर पास। तो कोई परेशानी होती है भाई यहाँ पे? भाई कोई परेशानी नहीं है। नशा क्या करते थे मेरे भाई? पीता था। कितने साल से पी रहे थे? 2 साल। 2 साल से हमारा भाई स्मैक पी रहा था, और अब जाके ये यहाँ पे रह रहा है। तो ये इसके कुछ कपड़े लगते आए थे तो पहने उसने, तब आया मेरे पास बाहर। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे क्या सचमुच में क्या क्या दिक्कत परेशानी है? वैसे बैठ के बताओ, मैं चेहरा नहीं ले रहा आपका अभी। तो वैसे ही बताओ। कोई दिक्कत नहीं भाई जी। है कोई दिक्कत नहीं भाई जी, यहाँ पे अच्छा लगता है। मतलब प्रोग्राम सीखेंगे, इससे हमारी रिकवरी बढ़िया रहेगी, नशे से दूर रहेंगे। मैं पहले भी सेंटर में रहकर आया हूँ, सीधा उस सेंटर से यहाँ पे आया हूँ, घर पे भी नहीं गया। हाँ। बताई थी ना भाई ने मेरे, बोले सेंटर अच्छा है यहाँ पे जाना आप संस्था में, इसमें प्रोग्राम सीखोगे अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं सीधा यहाँ पे आया। कौन सा कार्यक्रम सीख रहे हो भाई यहाँ पे? 12 12 कदम। शाबाश शाबाश। यहाँ पे देर सवेर हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई जो कोई भी शराब और नशे से पीड़ित व्यक्ति हो उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम सिखाया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग बनाने को जितनी मर्जी बातें, जितनी मर्जी कर सकते हैं करें, बट अगर रिजल्ट नहीं मिलता है किसी चीज से तो फिर उसे करने से कोई फायदा है नहीं। तो हाल फिलहाल मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि भाई देखो, कहीं पे कोई काम अच्छा हो रहा है तो उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, चाहे वो कोई कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, और हो सके तो सहयोग करिए। अदरवाइज इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए दूसरों के बहकावे में आके, तब बड़ा ठीक नहीं लगता है। थैंक यू वेरी मच।